ऐसे नहीं हो सकता। नहीं भाई, भाई प्लीज मान जा मेरी बात, ऐसा मत कर, मैं बोल रहा हूँ। बीबी क्या हुआ आपको? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ये सुन क्यों नहीं रहा मैं? भाई पागल, मेरी बात तो सुन। आज तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। हेलो एम्बुलेंस, अगर आप 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे तो एक मासूम की जान चली जाएगी। आप कौन हो? मैं शादीशुदा हूँ। बेबी, आप जूस पियोगे? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। एक काम कर, तू पी ले, मैं गाड़ी के पास कर, ठीक है? ओके। और जल्दी आना। भैया एक मिक्स फ्रूट बना देना। कौन से वाला? मीडियम बना दो। अरे चेरी भाई, क्या हाल है? अरे सुमित, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। अरे यार चेरी, कॉलेज के बाद यार तू मिला ही नहीं कहीं, ना कोई फोन कॉल ना कुछ, यार एक कॉल तो करता है यार अपने दोस्त को। अरे भाई क्या बताऊँ, थोड़ा कामों में फंस गया था यार बस। अच्छा तो यार पता है क्या है यार, मैं ना अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं पक्का तुझे मिलूंगा, दोबारा मिलियो जरूर, ठीक है? अरे बिल्कुल भाई, डरना यार। वो अपने कॉलेज वाली नेहा है ना? हाँ यार, ये वही है नेहा। अब तुझे पता है वो कॉलेज में कितने लड़कों के साथ घूमती थी? और तो और इसके हर डिपार्टमेंट में बंदे थे। और तुझे पता है इसने एक बार तेरे भाई पे भी लाइन मारी थी, लेकिन तेरा भाई भाई इतने आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसता। पैर पे यार पता है, अभी अभी मुझे पता चला कि इससे किसी गधे ने शादी कर ली। पता नहीं यार उसका नाम, पता नहीं किस गधे ने शादी कर ली इससे। अबे यूँ ये तो मुझे देख रही है, बोली और मैं हाँ नहीं करूंगा। ये तो सुमित है, अपने कॉलेज वाला दोस्त। हेलो, कैसे हो? मैं तो मस्त, तुम बताओ? मैं भी बढ़िया। शादी हो गई है तो शादीशुदा जिंदगी चल रही है। हाँ मैंने सुना तो था तुम्हारे शादी के बारे में, तुम्हारा हस्बैंड क्या है तुम्हारे साथ? अरे यही तो है मेरा हस्बैंड। बेबी तुमने इसको हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? भाई मैं जिसके बारे में बता रहा था ना, वो ये नेहा नहीं, वो तो स्नेहा थी यार। और भाई ये तो देवी जैसी है, परी है परी। हैप्पी मैरिड लाइफ यार, बता रहा हूँ। बाय बाय बाय। अरे जल्दी आ जा भाई, वरना मेरी बीवी मेरी वाट लगा देगी। अरे यार तेरी बीवी क्या, सबकी बीवी ऐसी होती है। रुकाया बोला था ना, आ गया फोन। अरे मैं और क्या होता हूँ, चेरी के साथ ही तो हूँ। अभी मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ ना भाभी से। मुझे पता था कि तुम उस आवारा के साथ ही घूम रहे हो। दुनिया मर रही है लेकिन उस हैवान को मौत नहीं आती। बात बताओ, वो खाना ही खाते है ना, ये अमृत पी के आया है? देखो तुम अगर उसको घर लेके आए ना, फिर मुझे उसकी शक्ल दिखाए तो मैं उसे झाड़ू से मार मार के ना उसको गंजा कर दूंगी। पाँच मिनट में ना घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी टांग तोड़ के ना तुम्हें घर बिठा दूंगी, सारा घूमना निकल जाएगा तुम्हारा, समझे? ये ले भाई तेरा फोन, चल। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, तू निकल। ओके बाय। अरे बाप रे, ये तो यही खड़ी है। क्या भैया, शादी के बाद तो आप मुझे भूल ही गए हो, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आज ही सुबह इनसे आपके बारे में बात कर रही थी कि आप कितने अच्छे हो। दुनिया मर रही है लेकिन उस हैवान को मौत नहीं आती। एक बात बताओ, वो खाना ही खाता है ना, ये अमृत पी के आया है, घर लेके आया है, ये मुझे उसकी शक्ल दिखाई तो मैं उसे झाड़ू से मार मार के ना उसको गंजा कर दूंगी। आप यहाँ तक आए हो तो हमारे घर पे नहीं आओगे क्या? अंदर आओ ना प्लीज, और हमारे साथ खाना खा के जाओ।
बहन मुझे ना थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। हाँ तो याद रखना, आपको अगली बार हमारे साथ खाना जरूर खाना है। हाँ अगर झाड़ू नहीं होगी तो। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा बहन मैं चलता हूँ, अगली बार आता हूँ। yes! अरे मेरा फोन कहाँ है? अरे भाभी जी का फोन। बच उठा बच उठा। हेलो अच्छा तो मेरी बीबी है। गुड मॉर्निंग सर। सर बस मैं 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। बेबी क्या आप एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते? एक दिन की छुट्टी? ऑफिस का काम कौन करेगा, तेरा बाप? अरे कम से कम हाफ डे ले लो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। अरे हाफ डे कहाँ से ले लूँ, एक मिनट नहीं होता मेरे पास। अरे काम कर, अंदर जा, गाड़ी की चाबी ले जा। खुद जाके ले लो, मैं गेट पे देखती हूँ कौन है। देख ले। मैं बढ़िया। अरे बाबू तुझे पहले बताना चाहिए। हाँ चल ठीक है सुनिए। अरे जीजू आज आप ऑफिस नहीं गए? वर्क फ्रॉम होम। वैसे आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा थैंक यू। देखते रहिए ना, तो अपनी बहन के लिए चाय बना के ला। कल जीजू। हाँ बोलो। आपको पता है यहाँ मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। क्या मेरे लिए? मैं कैसे बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे साली साहिबा मेरे से क्या शर्माना, बता दो जो भी बोलना है। दीदी को तो नहीं बताओगे? मैं उसको क्यों बताऊंगा। अरे ये तो हम दोनों के बीच की बात है यार। वो एक्चुअली मैं ना एक लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, बट फैमिली वाले नहीं मानेंगे, तो उनको कन्विंस करने में मेरी हेल्प करो ना। जीजू। क्या जीजू, अपना एग्जाम दे, एग्जाम देने आई है ना, एग्जाम दे और निकल, समझी? अरे जीजू प्लीज हेल्प कर दो। मेरा ऑफिस टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। पूरा परिवार ही ऐसा है, बस काटने में लग रहे थे। घटिया जीजू। बहू आज संडे है ना, आज तो कुछ स्पेशल बना लिया होता, रो रो यही घर में बेकार ही पड़े रहते हो। जो बना रही हूँ ना चुपचाप खा ले बुड्ढे, ज्यादा जुबान मत चला। मेरे पापा से तू ऐसे बात करेगी? आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो, कभी इस बुड्ढे को भी कुछ बोल लिया करो, जब तक ऑर्डर मारते रहते हैं। आज ना मैं तेरा बक्कल उतार दूंगा, अंदर चल। अरे बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं है, शांत हो जा। अरे पापा मुझे पता है इसको कैसे काबू में करना है, आप रुको तो तुमने। बैठ जा, रहने दे, अंदर चल। अरे बेटा रहने दे, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, चल। अरे रुक जा बेटा रुक जा। ये भगवान आज तो बहुत गुस्से में है, ना जाने क्या करेगा। क्या बे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की, ज्यादा हवाबाजी में नहीं आ रही तू आजकल? जैसा नर्क हो गया, अच्छा वाला नाश्ता कर रहा था। तुझे ना मैं अभी बताता हूँ, सारी हड्डियां तेरी सही कर दूंगा तेरी। आज मैं तेरा ऐसा बक्कल उतारूंगा जिंदगी भर याद रखेगी। बेबी सुनो यार, थोड़ी सी आवाज निकालो, थोड़ा चिल्ला लो, मेरे पापा को यकीन हो जाएगा मेरे ऊपर। हे भगवान। बेबी मुझे मत मारो। चुप हो जा बिल्कुल। बेबी तुम क्या कर डालेगा? चुप हो जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से फालतू बोलने की, आज तो बचा ले इसको। बेबी प्लीज ऐसा मत करो। चुप हो जा, आज मैं तेरे बाल उखाड़ दूंगा। हट, तेरी इतनी हिम्मत, ना जाने क्या कर डालेगा, बहुत गुस्से में है। तू मेरे पापा के खिलाफ बोलेगी है? आ, आ, आ,
अबे तेरे अभी और लगेगी। आ, बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो। अबे माफ तो तुझे ऊपर वाला भी नहीं करेगा। हट। अरे मत कर, निकल जा मेरे घर से बाहर। मेरी बात सुन, अगर तुझे घर में जगह चाहिए ना, जा मेरे पापा से माफी मांग किया। तुझे क्या लगता है तू मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगेगी तो क्या मैं तुझे रहने दूंगा? है निकल जा मेरे घर से।